उसकी इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज़्यादा हो रही है ना वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर हो रही है। कारण क्या है, हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज थे जो रिन्यूएबल नहीं थे, जिनको हम बार बार गेन कर सकते हैं। कोयला था, जल गया, अब उस जले हुए तो वापस नहीं ले सकते ना। लेकिन सूर्य की रोशनी क्या है, आज तक हम ये नहीं जान पाए, ये भी साइंटिस्ट की सिर्फ एक अजम्पशन है कि उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं हीलियम की हाइड्रोजन के साथ, और वो रिएक्शंस चलती रहती हैं, बट इट इज़ नॉट ए कन्फर्म्ड फैक्ट। अगर आज की सिविलाइजेशन में हम यहाँ तक पहुँचें कि इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से लाइफ है धरती के ऊपर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना हो। पहली चीज क्लाइमेट चेंज। आई वॉज बोर्न इन 1989 1990, तो 90s में क्या होता था, 10 या 15 घर में ना एक कार होती थी, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता था एनवायरमेंट के ऊपर। क्रेज भी होता था कि भाई उस घर में गाड़ी है। अब क्या किया, सिविलाइजेशन जैसे इम्प्रूव होती गई हमारी, वो नीड बना दी हमने कि हमें गाड़ी की आवश्यकता है हर घर में। आज एक घर में चार चार है, ठीक है, लेकिन उसका एंड इफेक्ट क्या हुआ एनवायरनमेंट के ऊपर। जो 1990s में मैं पैदा हुआ था जब, बहुत क्लीन एनवायरनमेंट होता था। अगर पोल्यूशन किसी चीज़ को बोलते थे ना, वो रेत उड़ता था बस, आंधी आती थी उसको पोल्यूशन बोल देते थे। लेकिन आज जो पोल्यूशन है ना, आप अभी दिल्ली के रास्ते से आए हो, आप जहांगीरपुरी एक ऐसा स्टेशन है, मेट्रो से आप उतरोगे ना तो नीचे फैक्ट्री एरिया है, ये भी एक फैक्ट्री एरिया है, बट दिस इज अ ग्रीन एंड क्लीन एरिया बिकॉज नो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हियर जस्ट लाइक जहांगीरपुरी। वहाँ पे आपके ना आंखों में महसूस होगा और आप डिफाइन कर पाओगे खुद की पोल्यूशन क्या है। तो इसने एक नीड बढ़ाई है हमारी कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं ना उन फैक्ट्रीज को रन करने के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी आज जो जनरेट हो रही है ना, वो ग्रीन सोर्स से जनरेट नहीं हो रही, वो पोल्यूटिंग सोर्स से जनरेट हो रही है। जो हमारा कोयला है, 69% कोयले का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए भारत देश में। तो यू नो 69 की रिप्लेसमेंट अगर सोलर से करनी हो तो आप जैसे कितने बंदे चाहिए, बहुत कम है हम, वो भी मैं फैक्ट शेयर करूंगा धीरे धीरे। अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट्स आपको पता ही चल गया कि अगर ये ग्रीन सोर्स है तो पोल्यूशन नहीं किसी भी टाइप का, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, और आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। टाइप्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक एप्लीकेशंस, फोटोवोल्टेइक एप्लीकेशंस की टाइप्स आपको क्या लगता है, ये जो पहली बात तो बताऊँ, यू मस्ट बी हैप्पी टू नो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सोलर। इस प्लांट यहाँ पे 2 किलोवाट का एक प्लांट इंस्टॉल्ड है, बैटरीज हैं 8 जो सपोर्ट कर सकती हैं पूरे सिस्टम को ऑल डे एंड ऑल नाइट इवन, ठीक है। तो दिस इज ग्रीन एनर्जी बीइंग यूज्ड। कोई इफेक्ट आपको अलग महसूस हो रहा है? यस सर। आपके घरों में जो बिजली आती है और ये बिजली में कोई डिफरेंस नहीं है? आपका आनंद वही आ रहा है जो घर के पंखे में आता है, लेकिन ये बिजली ग्रीन है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफ ग्रिड मानी जाएगी क्योंकि इसमें हमने बैटरीज का यूज़ किया है सोलर को सपोर्ट करने के लिए। ये मैंने उस दिन भी बताया था, जो नहीं थे वो लोग जान ले कि 3 तरीके के प्लांट हैं सोलर के। पहला है ऑफ ग्रिड, जिसकी एक्चुअल पहली जो इंस्टॉलेशन हुई थी ना सोलर की, वो ऑफ ग्रिड के साथ हुई थी, बैटरीज के साथ हुई थी। क्योंकि सोलर हमने देखा है, आप सिर्फ 1 घंटा भी देख लोगे ना धूप में खड़े होके, कॉन्स्टेंट धूप बहुत कम मिलती है, अभी है फिर बादल छाए फिर चले गए, ऐसे उड़ता उड़ता बादल आ रहा चला गया, ये सेकंडों के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए ना उसके रोशनी के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप। लास्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कूलर ऐसे चल रहा है ऐसे क्यों चल रहा है, नहीं साइनस हो रही है, कीप इट इन माइंड, लेकिन ये लास्ट डे बताऊंगा। सोलर को सपोर्ट कर रही है बैटरीज, कैसे, बिजली बनी अपने पीक पे बनी,
एक पर्टिकुलर सेकंड में। अब जितना लोड था उसने चला दिया कन्वर्ट होने के बाद। ये एसी लोड है, बिजली दो तरीके की होती है, डीसी और एसी। डीसी इज स्ट्रेट लाइन, अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही रहेगी, एम्पीयर वही रहती है उसमें। और एसी इज साइनोसोइडल वेव जो 0, 90, 0, -90, 0 एंड देन बैक। सर हम ये कवर करेंगे आज, हाँ ये हम कवर करेंगे, लेकिन अभी टाइप्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजीज हम स्टडी कर रहे हैं। ऑफ ग्रिड जिसमें बैटरी का इस्तेमाल है और महंगा पड़ता है। अब हमें सारी चीज़ें सीखनी है कि जब हम मार्केट में उतर गए हैं, वी नो देयर इज अ ह्यूज कस्टमर बेस, अब उस कस्टमर को क्या क्या चीज़ें समझनी है उससे और क्या फिर उसको समझानी है, वो हमारी ओरिएंटेशन रहेगी। ताकि आप इतने कैपेबल बनो इस ट्रेनिंग के बाद दैट यू नो व्हाट इज सोलर इंडस्ट्री ऑल अबाउट। ऑफ ग्रिड पावर प्लांट का इस्तेमाल वही है जहाँ पे बिजली की सप्लाई बहुत कम हो, क्योंकि सोलर को एक बैकअप चाहिए, वो या तो बैटरी देगी या ग्रिड देगी। अब जहाँ पे ग्रिड नहीं है वहाँ तो बैटरी लगानी पड़ेगी। अब हम शहर की बात करते हैं, जैसे सोनीपत जैसा हाफ शहर है, हाफ विलेज है, इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड सिटी लाइक दिल्ली। तो यहाँ पे क्या सिनारियो है, यहाँ पे हाइब्रिड पावर प्लांट लगता है जो कि ग्रिड से भी डिपेंडेंसी ले सकता है और बैटरी से भी रह सकता है। जब तक ग्रिड अवेलेबल है भैया वहाँ से चला लो, जब नहीं है तो बैटरी से चला लो, आपको पावर कॉन्स्टेंट मिलनी चाहिए। तीसरा टाइप है जहाँ बैटरी यूज ही नहीं होती, दिल्ली में अगर आप लगाओगे वहाँ पे हॉटलाइन है सारे में। हॉटलाइन का मतलब होता है 24 घंटे बिजली है उस तार में, उस तार से आपको बिजली मिल रही है, तो आपके पास 24 घंटे बिजली है। वहाँ पे आप सोलर जब इंस्टॉल करते हो ना तो वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होता है, बैटरीज का कोई इस्तेमाल नहीं है। सोलर था मान लो 2 किलोवाट का प्लांट लगाया, लोड मेरा 2 किलोवाट ही चल रहा है, सोलर 1 किलोवाट हो गया जो जनरेशन है, बादल छा गया, तो 1 किलोवाट जो बकाया थी वो ग्रिड ने दे दी, ये है ग्रिड कनेक्टेड। अब सेम सिनारियो, 2 किलोवाट है, बैटरी बैंक है मेरे पास, 1 किलोवाट सोलर की जनरेशन आ गई, ग्रिड थी नहीं तो 1 किलोवाट जो थी वो बैटरियाँ दे दी। अब हाइब्रिड आ गया, ग्रिड थी तो ग्रिड से, जब नहीं थी तो बैटरी से। समझ में आ गया तीनों टाइप्स। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, आई थिंक बेस्ट वुड बी मी शेयर दिस स्लाइड विद देम, बट स्टिल आपने इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होंगी जो मुंह से निकल जाएंगी यहाँ नहीं होंगी, वो जरूर नोट कर लेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशन क्या होता है, हमें जिंदगी जीने के लिए पैसा एक जरिया है जो हमें हेल्प करता है कि हाँ वी कैन सस्टेन, वी नीड समथिंग। पैसा एक कॉमन सोर्स बना दे कि इसको देके आप ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो। अब जैसा मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, पहले सारे एंटरप्रेन्योर होते थे, मेरे पास गेहूँ है तो मैंने दे दिए, मैंने जूते कटवा लिए, मेरे पास गेहूँ है वो मैंने दे दिए, एक कॉमन सोर्स मेरे पास गेहूँ बच गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी को गेहूँ की ज़रूरत ही ना हो, मैं उसको कैसे देता, तो इसीलिए पैसा बना, पैसा एक कॉमन चीज़ बना दी जिससे सारे सिस्टम सस्टेन कर सकते हैं। आपको मेहनत जितनी है ना आपकी उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है, पैसे से आप बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब है एक जरिया जिससे कि आप लाइफ सस्टेन करने के लिए आपके पास रिसोर्स बनते जा रहे हैं। ऑक्यूपेशन में आपकी हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर हम डिस्कशन करा रहे हैं। आई थिंक नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन आई इंट्रोड्यूस विपिन, जो इन स्लाइड्स को आपके साथ शेयर करेगा, और जो इसका प्रैक्टिकल सेशन होगा ना वो मैं आपको साथ साथ में मतलब थोड़ा सा ये करेंगे ताकि माइंड के ऊपर से ना जाने लग जाए चीज़ें। एक स्पीकर देन सेकंड स्पीकर एंड देन प्रैक्टिकल सेशन, विल डू इट लाइक दिस। अभी टाइम हुआ है, व्हाट इज द टाइम, 1 बजे लगभग, 2 बजे तक विपिन इज कंटिन्यूइंग ऑन दीज स्लाइड्स, लर्न एज मच एज यू कैन एंड देन विल गो फॉर लंच। Kindly clap for him. So, Vipin, you can help us. I think my introduction has already been given. My name is Vipin.
Abhilash Olia, and I am the owner of India Solar Energy, DayRise Enterprise. And इस पूरी सेटअप के अंदर विष्णु जी ने हमसे आके एक दिन बात की कि सर I have a vision where this space gets utilized to build the next generation of entrepreneurs, to build the next generation of leaders. So ये golden opportunity सर ने हमें दी and we grabbed it, we have it by its horns and we are going to take it to the new heights. ठीक है. So now let us get back to the topic. Occupational health and safety. Why this slide is there right now? Before I tell you about anything, ये slide यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्यों रखी है? ये slide मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्यों रखी है? वो इसका reason ये है कि आपने मेरे dad आनंद कुमार जी ने भी आपको बोला हुआ कि आपकी health सबसे important है. Health है तो wealth है. Health नहीं है तो कुछ भी नहीं. Right? That's the reason why I have kept this slide as the first one. Instead of telling you about what is a module, what is an inverter, how to combine them together, this slide is the most important rule which you will always follow when you are going anywhere on the site. Customer ne call kiya, sir, aaj ye site dekh lo. Aap site dekhne gaye, aapne puri site dekh li, aapne sab cheeze note kar li. Point of view from, you are going to install a solar. But you did not see point of view from the working of the installation. उस टाइम पे आपको सेफ्टी मेजरमेंट्स देखने हैं. हाइट है, कितनी हाइट है, उस हिसाब से क्या मुझे हार्नेस पहनना है, हार्ड हैट पहननी है, वोल्टेज है कितनी है, हाई वोल्टेज है, शुड आई वेयर वो ग्लव्स, व्हाट टाइप ऑफ बूट्स आई शुड बी हैविंग, मेरे कपड़े इंस्टॉलेशन 100% कितने होने चाहिए, राइट? आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट पूरा है नहीं है, या जो साइट पे जा रहे हो उसके लिए एडिशनल सेफ्टी इक्विपमेंट क्या चाहिए आपको, बिकॉज ऑल साइट्स आर नॉट अलाइक. कहीं पे ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी, आप कहीं पे काम कर रहे हो, देयर इज हाई टेंशन वायर्स गोइंग, बहुत सारी जगह पे आपको दिल्ली में क्राउडेड एरियाज में मिलेंगी जहाँ पे घर की बालकनी ये है और बाजू में खंबा है और वहीं पे हाई टेंशन केबल्स हैं, क्योंकि उस बंदे ने घर 5 मंजिला बनाया है, वो हाई टेंशन वायर्स के बिल्कुल पास से है. तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप साइट असेसमेंट पे जाएंगे, ऑन साइट असेसमेंट जब आप कर रहे हैं, उस टाइम पे यू शुड ऑलवेज टेक इन टू केयर कि आपके आसपास डेंजर्स क्या है, पोटेंशियल डेंजर्स ढूंढो, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं. यू विल हैव अ टीम, योर टीम जो है उसकी सेफ्टी कौन देखेगा, यू हैव टू लुक आफ्टर देयर सेफ्टी, बिकॉज वो अपने काम करने में मशहूर हैं, बट आपको उन पर नज़र ये रखनी है कि इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है. कोई बंदा वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, किसी भी छत पे सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो उसके पास हार्नेस है कि नहीं, उसने हार्नेस ढंग से पहना है कि नहीं, उसने ट्रेनिंग भी है कि नहीं हार्नेस पहनने की, वो बंदा हार्ड हैट पहने हुए कि नहीं. अगर जो कंस्ट्रक्शन साइट है कहीं पे, देयर इज सम सिविल कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन उस साइट पे, तो वो आदमी हार्ड हैट पहन के आया है कि नहीं, बिकॉज फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ साइट इज अ वेरी बिग कॉज. और हमारे पूरे शरीर में कहीं पे कुछ लगता है ना, तो सबसे ज़्यादा नजदीक नाजुक जो होता है वो सर होता है, और जब 6 मंजिल से एक नोज प्लायर गिरता है और जो नीचे जो आदमी खड़ा है उसके सर पे आगे लगता है, देन इट गोज डायरेक्टली इनटू योर ट्रेनिंग. वो है नोज प्लायर, गिर जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पाँव में गिरेगा लगेगा तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 6ठे माले से वो नोज प्लायर सीधा नीचे आता है, तो जो नीचे आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, That you should have in mind. ठीक है, वो details आपको देखनी जरूरी है. ठीक है, then you have safety related to individual PV systems. These safeties are related to आप कि एक panel को, क्योंकि आप छत पे काम करेंगे, तो आपको जो भी आपका equipment है, जो सबसे बड़ा equipment है, जो सबसे bulky equipment होगा, जो handle नहीं हो सकता, वो होता है panel. 300 watt का panel होता है, ये जो size है. इसमें आप ये लगा के चलिए एक 100 वॉट का पैनल आता है, 75 to 100 वॉट का पैनल. ठीक है, नाउ द साइज ऑफ अ 250 वॉट पैनल इज 3.5 feet by 5.5 feet, वो इतना बड़ा होता है, यहाँ पे वो इतना चौड़ा होता है. अब अगर जो मैं हूँ, मैं तो एक पैनल ले जा सकता हूँ, बट वी नीड टू इंस्टॉल 10 kW एंड दैट एंटायर थिंग इज ऑलवेज पैक्ड, सेफ्टी के हिसाब से वो पैक होता है बिल्कुल, और वो डबल की पैकिंग होती है.
Now, if two panels are there, it's not possible for me to lift it. You need two people. And those two people have to lift it in according to correct ways. ऐसा नहीं कि एक वहाँ से पकड़ लिया, एक यहाँ से पकड़ लिया, ऐसे उठा के चल पड़े, कुछ भी हो जाएगा. Because labor is not concerned about your personal talent. As an entrepreneur, you have to think, is labor qualified? ठीक है? तो आपको उनको बताना है, इसको ऐसे नहीं पकड़ना, इसको ऐसे करो, सीधा करो. ठीक है, एक आदमी उधर से पकड़ेगा, एक आदमी उधर से पकड़ेगा, और जैसे शीशे को लेके जाते हैं ना, सीधा करके ऐसे पकड़ के ऐसे लेके जाना है इसको, ना कि आप इसको लिटा लो ताकि आदमी भी इसके ऊपर लेट जाए. कभी भी पैनल के ऊपर आप कोई चीज़ रखोगे नहीं, वो सीधा अंदर चला जाएगा और आपकी जो बैकशीट है बैकशीट पे लगेगा. एंड वंस योर बैकशीट इज गॉन, योर पैनल इज गॉन. ठीक है, देन देयर आर हैजर्ड्स एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स. सो हर एक साइट में एक पर्टिकुलर हैजर्ड होगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. जब आप जाएंगे कहीं पे भी, सेफ किसी भी साइट पे जाएंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इस साइट पे पर्टिकुलर साइट में मुझे क्या सेफ्टी हैजर्ड का ध्यान रखना है. इस पर्टिकुलर साइट में वोल्टेजेस कितनी बैठी की. ठीक है, आप जब अपने पैनल्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज एंड पैरल में और उनको लेके आएंगे इन्वर्टर्स तक, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम होल्डिंग 600 वोल्ट्स ऑफ डीसी करंट इन माय हैंड. 600 volts of DC current. ठीक है, do you know how much amount of voltage is enough to kill a man? जो हमारी स्किन है इसकी resistance है 20,000 ohms. ठीक है, अगर जो इस पे आप 126 volts लगाते हो, 600 volts छोड़ दो, only 126 volts अगर जो यहाँ लगाते हो, it will produce a current of 0.63 amperes. Only 0.63 amperes. It is not even 1 ampere. That is enough to kill a man. ठीक है, क्या होता है, जैसे आप लाइफ कोई अगर जो पकड़ लेते हो ना, तो जो एसी करंट होगा ना, वो एक बार तो आपकी जितने भी हैंड की मसल्स हैं उनको क्लैंप कर देगा, तो आपका हाथ एकदम सीज हो जाएगा. पर जब वो साइकिल से बाहर आएगा, नेगेटिव में जाएगा, तब आपका हाथ छूट जाएगा. ठीक है, दैट इज अ थिंग विच इज देयर इन एसी वोल्टेज, बट लो वोल्टेज ओनली, नॉट हाई टेंशन. डीसी करंट का क्या है, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग. और जो आपका हाथ, जैसे मैंने आपने ये पकड़ लिया ना, तो वो जो मसल्स जो क्लैंप है ना, वो क्लैंप यूं का ही रह जाएगा. एंड द इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो थ्रू योर हैंड. और जितने भी यहाँ से यहाँ तक जो भी मसल्स हैं, इवन योर हार्ट मसल्स, दे विल ऑल क्लैंप शट. जैसे कई बार होता है ना, यहाँ पे करंट लगता है, एकदम से हाथ यूं हो जाता है, तो दैट इज अ रिफ्लेक्स. तो वो रिफ्लेक्स उस टाइम पे आएगा एकदम से, जैसे आप नहीं लाइफ वो होगा ना, एकदम से यूं आपकी सारी की सारी मसल्स टाइट हो जाएगी वहीं पे. So, ये सेफ्टी आपको ध्यान रखनी है कि मैं कभी भी लाइव वायर्स को, नंगे तारों को, कॉपर को कहीं पे भी टच नहीं करूँ, और ना ही आपको अपनी टीम को टच करने दे, बिकॉज दीज आर द थिंग्स. सो आप खुद सोच के देखिए, ओनली 0.63 एम्पियर एट 126 वोल्ट्स इज इनफ टू बी दैट लेट अलोन 600 वोल्टेज जो वहाँ पे आती है, और वो भी डीसी. क्योंकि कईयों का नेचर होता है बीइंग ए 30 मार्का, आई कैन डू इट. खास करके जो आप इलेक्ट्रिशियंस को पकड़ोगे ना, उनका रहता है, अरे लगता रहता है करंट, पता है सर मेरे को ये करंट लग चुका है, मैं ये सहन कर चुका हूँ, मैं वो सहन कर चुका हूँ, पर उसने आज तक कभी डीसी करंट में काम नहीं किया. उनका क्या होता है ना, जब प्लायर नहीं होता ना, वो क्या करते देखो, यू मार्केट. आई हैव सीन देम डूइंग दिस. यू मार्केट देखिए करंट है तो नहीं, क्योंकि एसी की आदत है, एसी तो छोड़ देगी, झटका लगेगा तेज एक बार छोड़ देगा, बट डीसी नहीं छोड़ेगा. डीसी को यूं कर लिया ना, वहीं पकड़ लेगा. सो नेवर एवर वर्क विद योर बेयर हैंड्स, ऑलवेज हैव अ दोज प्लायर और अ प्लायर विच इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड. हमने ऐसे भी देखे हैं जिनकी इंसुलेशन खराब होती है यहाँ एंड में, बिल्कुल जो दोज प्लायर का एंड होता है वो, उसकी वो इंसुलेशन खराब होती है, और जो ये छिपकी वाली होती है ना, वो जाके हमेशा उस इंसुलेशन के नीचे रहती है. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज वी हैव वर्क, वी हैव फाउंड इट हैपेंस. That's why हम अपना वर्किंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ये चीज आपको ना हो, हमारे एक्सपीरियंस से सीख लो. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड. एक फर्स्ट एड आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने की, जो आई थिंक आपने सबने फिल्मों में भी देखी होती, वो होती है रिसस्टिकेशन. ठीक है, वो रिसस्टिकेशन का क्या फंडा है कि किसी भी तरीके से, यूज एनी मीन्स, गेट दी हार्ट वर्किंग. If the heart is pumping, there is always a chance that person can be revived.
यू शुड नो रिसर्सिकेशन, और ये चीज़ जो रिसर्सिकेशन होती है यू कैन लर्न इट फ्री ऑफ कॉस्ट इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जो भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप सीख सकते हैं. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो आपकी नर्स होती हैं दे कैन ऑल्सो टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट. आपके स्कूल में नर्स डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, देयर विल बी अ सेक्शन, वहाँ पे आप पूछिए, दे विल टेल यू व्हाट इज द प्रोसीजर. किस तरह से एक आदमी का अगर जो तबियत खराब हो जाती है तो उसको दोबारा रिस्टार्ट कैसे किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट एक्सेप्ट योर हैंड्स, ठीक है. हाँ, तो ये दो चीज़ें वो होती हैं कि भाई प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो सबको आनी चाहिए. यूएस वगैरह में दिस इज समथिंग दैट इज टॉट इन स्कूल्स टू किंडरगार्टन में होता है ना, केजी यूकेजी नर्सरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक सिखाया जाता है बच्चों को. ये फर्स्ट चीज़ हाउ टू रिसर्सिकेट अ पर्सन, हाउ टू आउट कैसे देते हैं और हाउ टू गेट द हार्ट पंपिंग, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट अस कम टू योर इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, जो आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें शुरुआत करते हैं, ठीक है. पोलैरिटी, ठीक है, दो ही पोलैरिटी होती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है. सारा खेल आपका इन दोनों का है. यू हैव टू बी 110% श्योर कि ये वायर मेरे हाथ में है, ये वायर पॉजिटिव है, ये वायर मेरे हाथ में है, ये नेगेटिव है. आप हर पॉइंट पे चेक करेंगे थ्रू योर मल्टीमीटर कि क्या मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ, क्या मैं पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहा हूँ. बिकॉज एट हाई वोल्टेजेस और डीसी की जो वोल्टेज है वो बहुत हाई होती है और एम्पियर्स भी डायरेक्ट होते हैं. सो यू ऑलवेज नीड टू बी श्योर कि मैं पहले कनेक्ट करने से पहले कि किस तरह से है ये, पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, इन्वर्टर के अंदर पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, ठीक है. आप जंक्शन बॉक्सेस यूज़ करेंगे, यहाँ से तो आपने जो पैनल्स की स्ट्रिंग्स आई वो आपने लगा दी, मुझे पता है यहाँ से पैनल आई रेड है, मैंने सब जगह रेड किया है, मैं ऊपर से चेक करा है, मैंने मल्टीमीटर से चेक करके रेड लगा दिया. ब्लैक है ऊपर से नेगेटिव लेके आया, मैं ब्लैक को मैंने लगा दिया. यू आर फॉलोइंग इट कम्प्लीटली. यहाँ से आगे आपने एक बंदे को बोला, इलेक्ट्रिशियन को, भाई यहाँ से आगे घर में इन्वर्टर का तार लिया, ठीक है, बंदे ने तार पूरी पूरी की, ठीक है, डिड ही टेल यू किस तरह से कौन सी तार उसने सेट की है, उसने यहाँ पे तो कर दिया, उसने उसको पता है भाई जंक्शन बॉक्स में से एक ही आउट आना है, बस एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, नीचे इन्वर्टर तक आ गई. नाउ यू एक्चुअली डोंट नो कि वो रिवर्स हो गई है, उस बंदे ने पॉजिटिव को नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव में लगा दिया, तार को कोई फर्क नहीं पड़ता, तार को कोई फर्क पड़ता, उसको तो दे रही आगे. बट वेन यू विल पुट इट टू द इन्वर्टर एट दैट टाइम यू विल फेस प्रॉब्लम्स. आपने बिल्कुल अपने हिसाब से सही किया था जंक्शन बॉक्स का, बट फ्रॉम जंक्शन बॉक्स टू इन्वर्टर द पर्सन हैज चेंज्ड. उसके दिमाग में है, उसको पूछोगे ना बाद में, अरे तुमने बताया नहीं, अरे मैंने बता दो था, मैं तो किया था. तो यू हैव टू चेक ऑलवेज पॉजिटिव उसमें जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कनेक्ट होंगे सर. जंक्शन बॉक्स में पैनल्स का पॉजिटिव और पैनल्स का नेगेटिव दोनों कनेक्ट होंगे. जंक्शन बॉक्स हमारा यूज इसके आता है कि जब 20-25 पैनल एक साथ लगाते हो ना तो सभी की आउटपुट्स आपको ऐड करनी पड़ी है. यू हैव टू बी यू हैव टू मेक देम इनटू द सीरीज, दैट सीरीज यू हैव टू गिव टू इट एज एन इनपुट टू द इन्वर्टर. इफ यू हैव फोर सीरीज विद फोर पैनल्स ईच देन यू नीड टू मेक ऑल ऑफ देम इनटू अ पैनल. अब पैनल के लिए क्या करोगे आप, देन यू नीड अब आप उसमें इनपुट्स लोगे, टोटल 8 वायर्स आएंगी, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, राइट, बट एट द outside you only have one positive and negative, ठीक है, that's the use. वहाँ पे आपको use आएगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा positive कौन सी है, negative कौन सी है, मुझे कहाँ पे क्या लगानी है. Because एक बार आपका inverter जल गया, which is the heart of your system, inverter जल गया, new inverter ले गया, ठीक है. हालांकि safety features are always there in every inverter. If you correct it reverse, there will always be safety features inside. वहाँ पे MCBs होती हैं, वहाँ पे relays होती हैं, operate हो जाती हैं. You can do it. Only good inverters. Only good inverters. That's the point. Only good inverters. Sub inverters में नहीं होती. Reputed companies के inverters लोगे, Microtech के लोगे, like off grid में काम कर रहे हो, Microtech के ले रहे हो,
concrete में काम कर रहे हो आप डेल्टा एसएमए इनके लिए यू विल फाइंड श्नाइडर यू विल फाइंड रिलेज आर देयर व्हिच विल ऑटोमेटिकली स्विच इट जैसे उनको रिवर्स पोलैरिटी मिलती है तो तुरंत उसको चेंज कर देते अंदर ऑटोमेटिकली बट दैट डजंट मीन आप आग बंद करके कुछ भी लगा दो ठीक है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि भाई मैं कहाँ पे क्या कनेक्ट कर रहा हूँ एवरी सिंगल टाइम यू शुड बी अवेयर कि कितनी वोल्टेज आ रही है कितनी करंट आ रही है और किस पोलैरिटी पे आ रही है ठीक है ये तीन चीज आपकी लाइफ लाइन बन जानी चाहिए वोल्टेज करंट पोलैरिटी ये आप हर पॉइंट पे चेक करेंगे नेक्स्ट विल गो विद वोल्ट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज द थिंग ये वोल्टेज क्या चीज है एक्चुअली सब लोग बोलते हैं भाई इतने वोल्ट आ रहा है 24 वोल्ट आ रहा है 48 वोल्ट आ रहा है वोल्ट क्या है और वोल्ट क्या है 24 वोल्ट तो करंट हम अलग क्यों बोल रहे हैं डिफरेंस क्या है वोल्टेज में करंट में एम्पियर्स में और पोटेंशियल डिफरेंस में अगर जो मैं किसी डीसी वायर को पैनल है पैनल से दो वायर आई ठीक है मैं सीधा पॉजिटिव को पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ क्या मुझे करंट लगेगा मैं अब नेगेटिव को पकड़ के खड़ा जाता हूँ अब मुझे करंट लगेगा दोनों को एक साथ पकड़ना होता है करंट लगेगा क्यों सर्किट कंप्लीट होगा ओके बेसिक बिल्कुल सबसे बात हुआ है कि सर्किट नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर करंट जैसा लगेगा तो सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या है आई वांट ए पर्टिकुलर वर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन अ सर्किट इज कंप्लीटेड आप जब भी पोटेंशियल्स और पैनल्स की बात करोगे यू विल ऑलवेज थिंक कि मेरे पास एक टंकी है टंकी में पानी भरा हुआ है ठीक है और एक दूसरी टंकी है उस टंकी में पानी नहीं भरा हुआ है मैंने ये दोनों टंकियां कनेक्ट कर दी जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो जहां पे हाई पोटेंशियल है यानी हाई प्रेशर है जहां पे ज्यादा पानी है वहां से पाइप के थ्रू दूसरी जगह जाएगा कब तक आता रहेगा अभी बताओ जब तक दोनों का सेम लेवल जब तक लोड लेवल नहीं जाता ठीक है अब मैं इस वाली टंकी में 20 लीटर और डाल देता हूँ फिर क्या होगा फिर और 10 लीटर इस तरह चलेगा बराबर रहेगा व्हेन टू एंटिटीज आर एट द सेम पोटेंशियल इसका मतलब क्या होता है इट इज कम्प्लीटली न्यूट्रल ये न्यूट्रल हो गया सो आपको हमेशा ये स्ट्राइव करना है मेरा जो पैनल है मेरा जो स्ट्रक्चर है मेरा जो इन्वर्टर का चैसिस है इट शुड बी न्यूट्रल दैट इज कॉल्ड अर्थिंग ठीक है ग्राउंडिंग अर्थिंग ठीक है हमेशा यही रखना है कि मेरे कनेक्टेड जो भी पैनल्स हैं दे शुड उनकी जो बॉडी है एल्यूमिनियम बॉडी दैट शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर ठीक है एंड द एंटायर स्ट्रक्चर शुड बी कनेक्टेड बाय Why हम अर्थिंग क्यों देते हैं स्ट्रक्चर की अर्थिंग अलग क्यों देते हैं सिस्टम की अर्थिंग अलग क्यों देते हैं उसका कारण ये है पोटेंशियल चार्ज बिल्ड हो जाता है पोटेंशियल चार्ज कभी छोटे बन में आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि एक प्लास्टिक की वो लेके चेयर पे प्लास्टिक की चेयर पे लेके और वो करते थे और कपड़े से मारते थे और फिर जाके उसकी नाक टच करते फिर झटका लगता था व्हाट हैपेंस उसको तो दर्द नहीं हो रहा जब तक मैं उसको टच नहीं कर रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाल अलग अलग खड़े हो जाएंगे उसके लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट एज सून एज मैं उसको टच करूंगा मुझे भी झटका लगेगा उसे भी झटका लगेगा हाँ पर जब तक वो अकेला खड़ा था तब तक कुछ दिक्कत थी है ना क्योंकि वहां पे वो आइसोलेटेड था लेकिन वो पोटेंशियल चार्ज बिल्डअप होता गया समटाइम्स इट मे हैपन कि पोटेंशियल चार्ज इतना हो जाए कि किसी आदमी को टच करे तो झटका काफी तेज लग सकता है बिकॉज यू मे नेवर नो आपके प्लांट में कौन उसको टच कर देगा ठीक है आई डोंट राइट नाउ आई डोंट हैव अ पिक आई विल शो यू ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ही विजिटेड अ सोलर फार्म यूएस में एंड व्हाट इट वाज ही वेंट देयर एंड जस्ट पत्रकारों से बात करते करते उसने उसको पैनल को टच कर दिया इफ इट वुड नॉट हैव बीन ग्राउंडेड प्रॉपरली एंड इफ इट वाज अ आइसोलेटेड थिंग झटका फॉर श्योर लगता बिकॉज
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पैनल का एल्यूमिनियम फ्रेम है उसके ऊपर चार्ज बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। हालांकि अभी जो न्यू पैनल्स आ रहे हैं दे आर ऑल पीआईडी फ्री, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन फ्री। सो व्हाट दे हैव इज दे हैव अ स्पेशल फीचर वहां पे, ना पैनल के पीछे आप देखेंगे वहां पे स्पेशल पॉइंट्स बनाए हुए हैं, नॉट द बिग होल्स जिससे आप नट बोल्ट ड्राइव करते हो, छोटे वाले होल्स बनाए हुए और वो आर पार है, उसको लगाने का एक स्पेशल तरीका देते हैं वो लोग कि वहाँ पे ना आप आर पार लगाइए सो दैट कि जो अंदर का जो मेटल है ना वो भी कनेक्ट हो। मान लीजिए द फ्रेम इज 3 mm थिक, 1 mm थिक, 3 mm बहुत ज़्यादा होगा, 1 mm थिक, ठीक है, 1 mm थिक है, तो जो ऊपर का सर्फेस है ना ये सर्फेस, इसके ऊपर तो ऑक्सीडेशन होके वो इंसुलेशन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला है ना वहाँ पे दिक्कत होगी। वोल्टेज कैसे बिल्ड हो सकता है, ठीक है, कि ये जैसे ये प्लास्टिक की चेयर है इस पे बैठ जाओ आप 2 मिनट, ठीक है, 2-3 बार ऊपर उठो बैठो काम करो, 1-2 बार बालों में हाथ लगाओ, यू विल बी पोटेंशियली चार्ज। अब जाके किसी भी लोहे की चीज को टच करो फट करके करंट बनेगा। द सेम थिंग कैन हैपन इन योर केस आल्सो, जो आपका इन्वर्टर की चेसिस है, मेटल चेसिस है, दैट कैन बिल्ड अप अ चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यही रहेगा, जब तक आपके दिमाग में ये ध्यान है भाई पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, ऑलवेज बी वेरी श्योर अबाउट दैट। अब आ जाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो है, अब आ जाते हैं वो पाइप पे आ जाते हैं, दो टंकियां हैं मेरे पास, पाइप कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैंने पाइप कनेक्ट करके ये खोल दिया मैंने नल इसमें जाने के लिए, नाउ वॉट एवर इज फ्लोइंग इनसाइड दिस इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। बेसिक में बोले अगर जो इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड, ये आ रहा है, ये आपकी पैनल माउंटिंग के होल्स, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से दिखाना होगा आपको फ्रंट, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, दिस इज एलेक्स होल पैनल, ठीक है सर, ये और ये है अमॉर्फस है, ओके, दिस इज अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। पैनल्स देखने में नियरली ऐसे ही है, व्हाट डिफरेंस इज हियर इज तीन टाइप के पैनल्स होते हैं, ठीक है, दैट विल कवर पैनल्स का एक अलग से हमने सेक्शन बनाया है, यहाँ पे हम लोग डिटेल में पैनल्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो सेल बना हुआ है ना, ये वाला जो सेल है, ये वाला दिस इज अ सेल, वन कंप्लीट सेल, ये सेल अलग अलग चीज़ों से बनता है, वो अलग अलग कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, व्हाई दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दैट ऑल होल थिंग विल हैव। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर है ना ये टफन ग्लास होता है, टफन ग्लास टफन्ड, ठीक है, ये टफन्ड ग्लास होता है। अब इसका फायदा क्या होता है टफन्ड ग्लास का, इसके ऊपर आप चोट वगैरह कर सकते हो, दिस विल प्रोटेक्ट द, हमने इसके ऊपर पैनल्स के ऊपर बंदरों को आदमियों को चलते हुए देखा है, समझ रहे हो, बंदरों को खूब उछल कूद करते देखा है, मेरे पास वीडियो है आपको सेंड करूँगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर आदमी दौड़ते हुए देखे, पैनल माउंट हो गए, आदमी दौड़ के आता है, समझ, सेम क्वालिटी, कंपनी का फर्क है, ठीक है, बट इफ इट इज मेड अकॉर्डिंग टू द आईईसी स्टैंडर्ड्स, देयर आर आईईसी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आप कोई भी चीज लगाओगे देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर इट, make sure you understand those standards, we'll tell you standards for panels, for inverters, for batteries, for all the components, ठीक है, हर एक चीज का standard क्या होना चाहिए वो हम बताएंगे, ठीक है, these are the panels, अब इसको खोल पीछे कर लो, अब मैं आपको इसके टाइप होते हैं, बिल्कुल तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे हम आपको। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये दिख रहे हैं ये वाला, ये होल आर पार है और ये होल इसलिए है ताकि आप यहाँ पे अपनी अर्थिंग कनेक्ट कर सको, ठीक है, स्पेशल होल्स होते हैं ये रहे, ये बिल्कुल यहाँ नहीं, यहाँ तक होता है,
ठीक है, आर पार का मतलब ये होता है कि देखो जो ये है ना, ये सरफेस एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से एक बार रिएक्ट कर जाता है ना, तो एक परत प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर, हाँ ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बन गई ताकि नीचे का एल्यूमिनियम खराब ना हो, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं इसको टच करूंगा ना, इसको टच, इसको सिर्फ इस पर टच करके छोड़ दूंगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि पूरे के पूरे पैनल के साथ बॉन्डिंग नहीं हुई अभी उसकी, बॉन्डिंग इज इम्पोर्टेंट, वो हुई नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी ऑक्सीजन का लेयर था, उस पर हमने सिर्फ वायर को टिका दिया, वो तो इंसुलेट हो गया, जैसे ही ऑक्सीजन की वेयर लेयर इसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर हो जाती है ना, इट बिकम्स एन इंसुलेटर, एज सून एज एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आती है, इट बिकम्स एन इंसुलेटर। अगर जो आप यहाँ पे वो रखोगे ना, तो इट विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, हाई वोल्टेज करंट है, हाई करंट है, वो चला जाएगा, बट इट विल नॉट गिव एज गुड कंडक्टर एज अ फ्यूचर। अर्थ ना करें तो क्या होगा, अर्थ ना करें तो पोटेंशियल अगर जो इसमें कहीं कभी फॉल्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी फीड हो रही होगी तो वो सारी की सारी बिल्ड होती रहेगी, इसके पैनल को खराब करेगी, पैनल को जला सकती है, अर्थिंग होगी, तो इसका मतलब क्या है, इट विल हैव द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इजीएस्ट पाथ, जो उसको लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ है ना वो मिल जाएगा, फट से वहां से निकल। अगर जो कोई पूरा कॉम्पोनेंट अर्थ है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मैं उसको टच करूँ मुझे कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी जा चुकी है, बिकॉज आई हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 20,000 ओम्स, मेरी स्किन 20,000 ओम्स पे है और वो हार्डली 1 or 2 ओम्स पे है, 100 ओम्स भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो 20,000 ओम्स की तरफ क्यों भागेगी इलेक्ट्रिसिटी, विल टेक द लीस्ट रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम के ही होंगे, एल्यूमिनियम के ही होंगे, नो पैनल मैन्युफैक्चरर मेक्स इट आउट विदाउट एल्यूमिनियम, द फ्रेम विल ऑलवेज बी एल्यूमिनियम। नाउ द थिंग इज विच ग्रेड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्यों, एल्यूमिनियम इसलिए यूज करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम को आप एक एल्यूमिनियम की पत्ती लो, उसको आप बाहर धूप में छोड़ दो, उसका कुछ नहीं गिरता, कितने भी साल पड़ी रही, इट विल नॉट रस्ट, इट विल नॉट रस्ट, इट विल नॉट हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो गुड टू स्टील भी आप यूज करते हो तब भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इट इज कॉस्टली एंड इट इज नॉट एज ईजी टू मोल्ड एज एल्यूमिनियम। जो अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ईजीली आप उसको अपने मोल्डिंग में डाल सकते हो। देखो अभी कितने सारे तरह से मोल्ड हुआ है, मेरे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहाँ इतने सारे उसको बेंड करने होते हैं और फिर इसको करेक्टली सेट करना होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई द ईजी टू यूज इज एल्यूमिनियम, सेफ्टी हिसाब से एल्यूमिनियम, टिकाऊ एज इन लाइफ एल्यूमिनियम इज मच बेटर, ठीक है, एंड लाइट वेट। एल्यूमिनियम की इतनी पत्ती एल्यूमिनियम की लो और इतनी ही थिकनेस की आप आयरन की या प्योर आयरन की या स्टील की लो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ राइट, दैट इज वेरी गुड। रेट्स वगैरह सब कुछ हम आपको एक साथ बताएंगे, बट अभी मैं आपको विल गिव यू एन आइडिया, गुड क्वालिटी पैनल्स आर कमिंग आउट एट 32 रुपीज, या एन 32 to 40, दिस इज द रेंज 32 to 40। वेट पूछ रहे हो, अच्छा वेट वो भी पैनल के हिसाब से डिपेंड करता है, साइज के हिसाब से 250 वाट का पैनल है वो 18 से 20 के बीच में होता है, 18 to 20 केजीज पर पैनल, और दो पैनल की पैकेजिंग होती है, 40 किलो हो गया, 40 किलो पावर का एक आदमी उठाए 40 किलो, और वो इतना चौड़ा होता है, दैट्स वाई सेफ्टी के हिसाब से ऑलवेज 2 पीपल शुड बी देयर टू हैंडल पैनल्स। वो भी बाई चांस रास्ते में टकरा जाए कहीं पे, सीधा नुकसान, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, दैट इज वाई ऑलवेज व्हेन एवरी एनीथिंग इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू योर साइड बी वेरी कॉशियस, बी ऑलवेज प्रेजेंट, नेवर से कि वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा तो वो वैसे ही संभलेगा जैसा संभाल सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है ना वो उतना ही संभाल सकता है, यू आर द वन हु इज बीइंग ट्रेन्ड,
ठीक है राइट नेक्स्ट वो क्वेश्चन क्लियर आपका वो क्वेश्चन क्लियर अर्थिंग क्यों नहीं आती इसका टेस्ट भी होना है हाँ पूछेंगे भी हम मान लो ये नहीं है कि बस यहाँ यहाँ पे सिंपल भाई पढ़ लिए कोई पूछने वाला नहीं है चलो रह जाओ अर्थिंग क्यों नहीं जाती है अच्छा देखो होल का कॉन्सेप्ट चलो होल बोलो देखो होल का कॉन्सेप्ट क्या है देखो जो अगर जो पैनल जो वायर है ठीक है जैसे ये वायर है मैंने वायर को इस पैनल के फ्रेम पे टच कर दिया ठीक है और बस टच कर दिया वहाँ पे क्या ये अर्थिंग हो गई ठीक है नहीं चलो मैं एक काम करता हूँ मैं वो लेके आता हूँ क्या बोलते हैं क्लैंप लेके आता हूँ मेटल का क्लैंप ले जाता हूँ और फ्रेम के साथ इसको यूज करके रोक देता हूँ यहाँ पे अब ये हिलेगा भी नहीं अब अर्थिंग हो गई नहीं हुई है वाई बिकॉज जो एल्यूमिनियम है उसका सरफेस जो है एज सुन एज इट इज एक्सपोज टू एयर एज सुन एज मैं कह रहा हूँ एक सेकेंड जैसे ही वो एक्सपोज होता है एल्यूमिनियम तुरंत वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऊपर एक लेयर बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनते ही इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन इंसुलेटर नॉट एज अ कंप्लीट इंसुलेटर ठीक है बट इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई पर क्या एक्चुअली में पूरे पैनल की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है नहीं हुई है क्यों सिर्फ वो सरफेस की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है बिकॉज उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाउ इट इज नॉट प्योर एल्यूमिनियम जिससे हम एज अ कंडक्टर यूज करते हैं ठीक है तो इसीलिए हमें क्या करना होता है हमें वहां पे ना फाइलिंग वो आप क्या करते हैं अपना जो ड्रिल मशीन होती है ना ड्रिल मशीन का बिट होती है ड्रिल मशीन की बिट पतली वाली उस बिट से आप उस होल को थोड़ा सा वो करेंगे स्क्रैच करेंगे ओनली स्क्रैच यू आर नॉट गोइंग टू डू इट आउटसाइड ठीक है आर पार नहीं निकाली सिर्फ स्क्रैच करना है इतना कि नीचे का शाइनी सर्फेस होता है ना बिल्कुल शाइन मार रहा है जो वो निकल आए उस पर कॉन्टैक्ट करो आप then you contact it, then you use a what do you say as lug, lug nut bolt use करो, lugs लगाओ, nut bolt use करो और उसको fix कर दो वहाँ पे। अब क्या होगा? अब वो उस metal के साथ connect हो गया बिल्कुल pure aluminium के साथ। तो वो जो charge है वो पूरा soak लेगा अपने अंदर। ठीक है? That is why it is necessary कि वो hole के अंदर earthing हो ना कि सिर्फ उसके ऊपर touch कर दो आप। और अर्थिंग के होल्स हमेशा आप पैनल्स के अंदर मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के जितने पैनल्स होंगे उनके अंदर अर्थिंग के होल्स आपको जरूर मिलेंगे ठीक है सर चाहे वो 250 वाट का हो चाहे 150 वाट का हो या 300 वाट का हो राइट बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं उनमें नहीं होता बिकॉज उनमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस बन ही नहीं सकता कि उन पर एक्यूमुलेट हो या आपको अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी 50 वाट के पैनल पर आपको अर्थिंग की जरूरत नहीं होती ठीक है सर अब आ जाते हैं बैक टू टॉपिक अपना एम्पियर्स पे वोल्टेज हो गया हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमें समझ में आ गया हमें ये समझ में आ कि हमें क्यों पोटेंशियल का ध्यान रखना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पैनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बन जाता है अब आ जाते हैं हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को जब फ्लो करना होता है एट व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल फ्लो व्हेन फर्स्ट इट हैज अ कंडक्टर एंड सेकेंड इट हैज अ प्लेस टू गो एज इन लो पोटेंशियल जोन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हवा में उड़ के नहीं जा सकता यू नीड्स अ कनेक्टर ठीक है वो कनेक्टर आपकी बॉडी हो सकती है वो कनेक्टर एक मेटल का वायर हो सकता है नाउ लेट अस कम टू एम्पियर्स एम्पियर्स का क्या है बैटरीज जो होती हैं आपकी एक सिंपल सी बैटरी लेते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ठीक है व्हाट इट डज इज आप इस पॉजिटिव को लो सर्किट में लो और उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दो सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ से एम्पियर्स आएंगे सर्किट के थ्रू होते हुए वापस इसके अंदर चले जाएंगे करेक्ट दिस इज अ सर्किट अब क्या होता है जब ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफर्स टू दिस साइड द बैटरी बिकम्स न्यूट्रल दैट मींस इट इज डिस्चार्ज ठीक है यही चीज हमारी सारे इसमें होती है सभी जगह पे एम्पियर्स का फ्लो जो है वो यही होता है पैनल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है व्हाट इज हैपनिंग इज पैनल के पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नीचे तक आते हैं इन्वर्टर्स के थ्रू अंदर घुसते हैं सर्किट में घूम के एंड देन नेगेटिव वापस आ जाता है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर करंट और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस
करंट एंड पोटेंशियल को आपकी सिंपल भाषा में कहें, करंट इज पोटेंशियल इज स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है करंट नहीं है, करंट नहीं है। देखो दो चीजें हैं, एक वोल्टेज है एक करंट है। अब मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, वोल्टेज इज ओनली एंड ओनली कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में डिफरेंस क्या है वोल्टेज का, ठीक है? अब करंट क्या है, करंट है इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस टर्मिनल में गए, तो जो प्रोसेस है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज कॉल्ड करंट, ठीक है? आप करंट तभी मेजर कर सकते हो जब कोई सर्किट चालू है, एक बैटरी के अंदर स्टोर कितना करंट है आप नहीं मेजर कर सकते, ये ध्यान रखना। कभी भी आपको अगर जो कोई बोले इस बैटरी में कितना करंट है भाई, नहीं पता भाई, तब आप मेजर कर सकते हो कि कितना निकल रहा है और निकलेगा भी लोड के हिसाब से, ये भी ध्यान रखना, लोड के हिसाब से ही बैटरी में से करंट फ्लो होता है। क्यों बैटरी में से लोड के हिसाब से करंट फ्लो होता है? बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो बहुत सिंपल सी बात है, करंट लोड का करंट बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने एक पानी की टंकी रखी है, ठीक है? नीचे नीचे वो डाल दी पाइप डाल, ठीक है? और यहाँ पे एक टूटी है, टूटी बंद है अभी, ठीक है? इसमें अभी जो चीज रखा है अंदर आप देख नहीं सकते, ये समझ लो बैटरी है, आप देख नहीं सकते, आपको नहीं पता इसमें क्या है। आप सिर्फ एक चीज मेजर कर सकते हो, क्या ये जो नीचे है ना तली, तली और इसके बीच में कितना डिफरेंस है टॉप के बीच में, सिर्फ ये मेजर कर सकते हो, ठीक है? जो टैंक है वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक में आप ये मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे नीचे और यहाँ पे इसके बीच में हाइट मेजर कर सकते हो, कितना ऊंचा पानी खड़ा है। आप ये मेजर नहीं कर सकते ये पानी का वेट कितना है, ठीक है? आप ये मेजर नहीं कर सकते कितना पानी है, आपको नहीं पता। सिर्फ आप इतनी मेजर कर सकते हो भाई ये इतना ऊंचा है, जो ये ऊंचाई है ना ये पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ये बैटरी अभी 13 वोल्ट पे है, ठीक है? यानी फुली चार्ज है, 12 वोल्ट की बैटरी 13 वोल्ट पे फुली चार्ज मानी जाती है, ठीक है? तो ये फुली चार्ज है यहाँ पे, ठीक है? ये 100% हो गया, ठीक है? 13 वोल्ट आपने नाप लिया भाई, आपने नीचे का नाप लिया यानी नेगेटिव का नाप लिया, आपने ऊपर का नाप लिया यानी पॉजिटिव का नाप लिया, ठीक है? इन दोनों के आपने वोल्ट मीटर लगाया, आपको मिला यार इनके बीच में 13 वोल्ट लिख के आ रहा है, यानी 0 to 13 यानी 13 वोल्ट है इसके बीच में डिफरेंस,